भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं। ये मेरी पत्नी है, हम शिरडी से आ रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और ये माँ बनने वाली है, अगर आप थोड़ी देर के लिए थे। अरे अंदर बुला लो ना। आइए अंदर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर्स? डॉक्टर तो बच्चा होने वाला है। जी आपके? जी हाँ। जल्दी चलिए ना। आइए डॉक्टर। बधाई हो बाबूजी, बधाई। भगवान ने आपको चांद से बेटी दी है। रोमा कैसी है? बिल्कुल अच्छी है, बस अभी आंख लगी है। ये भी खूब रही, हमारे आने से पहले ही पैदा हो गई। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जल्दबाजी पर खफा मत होइए। आपने इस वक्त यहाँ आने की तकलीफ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपकी फीस। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे जरूरत बहुत थी। लीला मौसी, परसों आपने जो जुकाम की दवा मुझे दी थी उससे मुझे बहुत आराम। डॉक्टर साहब, आपने आने की फीस तो ले ली, जाने की फीस भी लेते हैं क्या? अच्छा जी, मैं जाता हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं? नहीं नहीं बाबूजी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ये पैसे ऐसे नहीं ले सकते, ये आप ही रख लीजिए। तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, हमारी कोई औलाद नहीं, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में भी, वैसे तो रात हमारे यहाँ बच्ची पैदा हुई है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी घर वाली को भी। हाँ हाँ, वो समझ गए। हाँ हाँ, जरूर प्रार्थना करूंगा। सचमुच तुम लोगों ने हम पर वो उपकार किया है कि अगर हमारे जुड़वा बेटियां पैदा हुई होती तो एक हम तुम्हें जरूर दे देते। बाबूजी। अच्छा अच्छा, राम राम बाबूजी, राम राम माँ जी। नमस्ते नमस्ते। सुनो। ये तूने क्या किया? उनके सचमुच जुड़वा बेटियां हुई थी तो तूने एक को छुपा दिया? तो क्या हुआ, एक जैसी दो लड़कियों का वो क्या करते, और वो तो खुद ही कह रहे थे जुड़वा होती तो एक हमें दे देते। अरे कहने की बात तो और होती है, वैसे तो मैं भी बहुत कुछ कहता हूँ लेकिन करने। अरे पगली, ये क्यों नहीं सोचती कि हम गरीब लोग एक बड़े घर की लड़की को क्या दे सकेंगे? हम इसे वो देंगे जो कभी कभी महलों में भी नहीं मिलता, प्यार। आजकल आपको बहुत खांसी आती है। हाँ बेटी, बहुत आती है, बस मौत नहीं आती। दादी माँ, ये दवा पी लीजिए। अब तो मुझे आंखें भी मेरा साथ छोड़ चली है। चलो ठीक है, जो कुछ इस घर में तेरे साथ होता है उसे देखकर मुझे कौन सा सुख मिलता है बेटी। सीता, अरे ओ मुर्दार, भगवान इनसे समझे, ऐसे तो कोई नौकरों को भी नहीं बुलाता। जा बेटी जा, जा। लेकिन दादी माँ। अरे ओ मुर्दार, कहाँ मर गई? जा बेटी, तू मेरी चिंता न कर। जी चाची। जी चाची, दो घंटे से बुला रही हूँ, कानों में तेल डाल के बैठी थी महारानी। चाची, ओ दादी माँ। क्या ना जाए उस बुढ़िया का, मरे तो हमारा पिंड छूटे। मेरा तो जी चाहता है उसको जिंदा ही मैं चिता में डाल दूं। अब तू मुझे क्या घूर रही है,
मेरे नहाने के लिए पानी तू लाएगी या तेरे बाप दादा लाएंगे नरक से? जी अभी लाती। अरे जरा जल्दी चलेगी तो क्या तेरी टांगे टूट जाएंगी? रियली तुझसे बड़ी इडियट मैंने नहीं देखी। जानती नहीं मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, तूने अभी तक मेरी साड़ी प्रेस नहीं की। अभी करती हूँ शीला। जल्दी आ स्टूपिड इडियट। साबुन लाई? जी अभी लाई। अभी लाई? न जाने कहां से हमारे पल्ले ये कमबख्त बन गई है। मजाल है कभी बगैर कहे ये कोई काम कर दे कामचोर। मैं कहती हूँ तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। अरे कभी तो बोलो, तुम्हारी जबान पे ठहर ठहर। ओफो, तुम ये क्या घिसर घिसर कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तो जरा जूतों में पॉलिश कर रहा था। सारी जिंदगी तुमने कोई काम किया है जो आज बैठे काम कर रहे हो? ओ मुर्दार, जूते पॉलिश करके ला। लेकिन वो दो। देता हूँ। लो बेटे, जरा जल्दी पॉलिश करके लाना। उस बेचारी को जूते दे दिए, वो तो बेचारी दिन भर वैसे इतना लाडली सुबह शाम मन मन खाती है। वो कभी देखते हो तुम? जरा हाथ पांव हिलाएगी तो चर्बी पिघलेगी चुड़ैल की। वो तो ठीक है, लेकिन वो बेचारी रोज गर्म पानी लाती है, तुम वो जरा गीजर ठीक करवा लो ना। गीजर जब ठीक होगा, जब वकील साहब इस महीने के पैसे लाएंगे। मैं पूछती हूँ, सीता के बाप को अपने भाई पर जरा भी भरोसा नहीं था कि सारी जायदाद वकीलों के सपुर्द करके मरे। बंगला भी सीता के नाम है, हमें मिलता क्या है? महीने के वही ना 5,000 रुपल्ली, और वो भी सिर्फ सीता की शादी होने तक। सीता की शादी? हुजूर आपकी चाय। अबे बुड्ढे, तुझे किसने कहा था चाय लाने को? वो जनक दुलारी राम प्यारी का है। जी कौन? वो सीता बिटिया? हुजूर वो तो मेम साहब का काम कर रही है। अबे खसाट, दीदी का काम तो कोई भी कर सकता है, जो मेरा काम है चल मारी निकाल। सोन कल से चाय के साथ तेरा थोपला ना देखूं, समझा? चल दफानो, चल। नहीं दीदी, जितनी देर में तुम साड़ी प्रेस करोगे उतनी देर में मैं पॉलिश करूंगा, बस दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। और तेरी मम्मी ने देख लिया तो जानता है कितना डांटेगी? और देर लगी तो जानती हूँ कितना डांटेगी। अच्छा बाबा करो, और देखना हाथ गंदे नहीं करना। अरे बाबरे, मैं तो भूल गई थी, अभी लाई चाची। रख दे मेरे सर पे, साबुन लेने धोबी घर गई थी जो इतनी देर कर दी, दूर हो जा मेरी नजरों से। सीता जी जरा यहाँ आना। जी नीचे जरा काम है। ओहो वही खड़ी बात कर रही भली मानस, पहले अंदर तो आ जाओ। अरे मैं तुझे खा जाऊंगा क्या? कभी कभी हमारा भी काम कर दिया कर। करेगी जी? क्या काम है? तू बड़ी भोली है। अच्छा जरा ये बटन ताक दे। जी आप रख दीजिएगा, मैं दोपहर का कर दूंगी। दो मिनट की तो बात है, अभी कर दे। ये रहा स्विच धागा और बटन, ये लो। सच कहता हूँ सीता, तू नहीं जानती तुझे इस हाल में देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, मगर इसमें तेरा ही दोष है। तू एक बार मुझ पर भरोसा कर ले, मजाल है किसी की, मगर तू है कि मुझे को अपना दुश्मन समझती है पगली। मम्मी, मम्मी, देखो इसने क्या किया? क्या हुआ? मम्मी, माय माय। हे भगवान, शीला, शीला मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटी? शीला क्या हुआ? चाची, चाची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतने सारे काम एक साथ आ गए। क्या छोटी गई की मम्मी ने मेरी साड़ी जला दी, कितनी मीन है। नहीं और क्या हुआ? तेरी ये मजाक। चाची मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई है, जान के किया। जल्दी भाई बेटी से। मैं क्यों जलूं किसी से? बस दबाए से लेती हूँ। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। चाची मुझे माफ कर दो, ऐसे माफ कर दो। चाची मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, क्या समझ गया? चाची
भगवान चल अंदर। भगवान को क्या मुंह दिखा? तुझे बंद रखूंगी तो पता लगेगा, भूखा मारूंगी 5-6 दिन तुझे तो आटे दाल का भाव पता लगेगा तुझे। कौशल्या माँ, पिताजी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? यहाँ मेरा कोई नहीं है। माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। आइए आइए गुप्ता जी, आइए तशरीफ लाइए। क्या बात है, कुछ तबीयत ठीक नहीं मालूम होती आपकी? बस थोड़ा जुकाम सा हो गया, तशरीफ रखिए आप। तो किसी डॉक्टर को बुलवा लिया होता? अरे रामू, चाय नाश्ता जल्दी ला भाई। नमस्ते जी। नमस्ते भाभी, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं जरा जल्दी में था, सीता को बुलवा दीजिए। गुप्ता जी, आप तो बस ऐसे आते हैं जैसे कोई फर्ज पूरा करने आए हो। ये फर्ज ही कुछ ऐसा है बद्रीनाथ जी, आपके भाई साहब ने तो अपनी सारी जायदाद का मुझे ट्रस्टी बना दिया, मगर रुपए पैसे जायदाद की जिम्मेदारी बहुत बुरी होती है भाभी। अजी गुप्ता जी, आपने हमारी जिम्मेदारी तो देखी नहीं, बिन माँ बाप की बच्ची को हमने अपनी औलाद से बढ़ के पाला है, फिर भी डर का लगा रहता है कि कहीं कोई ये ना कहे कि सीता की चाची ने सीता का ख्याल नहीं रखा। हाँ भाई, ख्याल तो तुम बहुत अच्छी तरह रखती हो, फिर भी डर लगता है ना जी कि कोई जिम्मेदारी में कमी ना आ जाए। भाभी मेरी बात मानिए तो सीता के हाथ पीले कर डालिए, आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और मेरी भी। हाँ भाई साहब की वसीयत के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी भी सिर्फ सीता की शादी तक है। वैसे आपने कोई लड़का देखा? लड़का? अजी भगवान झूठ ना बुलवाए, लड़के तो दर्जनों देख डाले, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सीता के लायक इस दुनिया में कोई लड़का है ही नहीं। गुप्ता जी, आप भी कोई ढूंढिए ना, शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाए। क्यों को चले? आप भी देखिए, वैसे हम तो ढूंढ ही रहे हैं। हाँ मैं भी देखता हूँ। बेटी तुझे क्या जरूरत थी? बेटी नौकर किस लिए है? ला रख दे, मैं बनाती हूँ। बहुत शौक है घर के काम काज का, 100 बार मना करूंगी फिर भी चाची ये कर लूं, चाची वो कर लूं, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। भाभी ये तो अच्छी बात है, लड़कियों को घर का काम काज तो करना ही चाहिए। क्यों बेटी, कैसी हो? ठीक ठाक ना? हाँ जी। ये लो बेटी, तुम्हारी इस महीने की अमानत है। ले लो, जरा गिन लो। अजी गिनने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। फिर भी मेरे इत्मीनान के लिए गिन लेती तो ज्यादा अच्छा। खैर आप कहते हैं तो, बेटी अपने चाचा को दे दे। लो बेटी ये लीजिए। शुक्रिया। पूरे हैं गुप्ता जी? पूरे तो हो नहीं थे, गुप्ता जी तो खाम खाम मजाक करते हैं। मुझे क्या दे रहे हो, जिसका पैसा उसे दो। लो लो। अच्छा बद्रीनाथ जी मुझे इजाजत दीजिए। अरे चाय तो पीले थे। अरे बस जाने दो, उन्हें 10 काम और भी होंगे, यही काम नहीं रह गया। भाभी ठीक कहती है, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। जीती रहो बेटी। नमस्ते बद्रीनाथ जी। तू यहाँ क्या कर रही है? चल ये झूठे बर्तन किचन में रख। चल क्यों जी? बड़े अरमान है भतीजी की शादी के, और इतना नहीं सोचते जिस दिन इस चुड़ैल की शादी हो गई तुम जिंदगी भर सड़क पे बैठ के खटताले बजाओगे। हाँ भाई वो तो ठीक है। अरे चूल्हे में जाओ तुम और घर में जाए तुम्हारी। लेकिन वो भी ठीक है कौशल्या। सीता जी दादी माँ। अरे यहाँ तो आ बेटी। मेरे पास बैठ। कितनी सुंदर लग रही है तू, जैसे सचमुच राजकुमारी हो कहेगी। देख लेना अपनी दादी माँ की बात, एक दिन कोई राजकुमार चांदी के रथ पर आएगा और मेरी इस गुड़िया को बहुत दूर चांद के देश में ले जाएगा। ये सब कहानियां हैं दादी माँ, कोई राजकुमार नहीं आएगा। दादी माँ तो बहुत अच्छी हो। सीता, अरे ओ सीता। दादी माँ मैं जाती हूँ। जी चाची। जी चाची,
अभी तक छप्पन छुरी बनी घूम रही है। उतारिए जेवर और कपड़े, आग लगे तेरे सिंगार को। महारानी जी का जी नहीं चाह रहा जेवर उतारने को। अरे ला जल्दी कर, ये साड़ी तेरे घर की है। जी मैं नीचे जाके उतारती हूँ। अरे नीचे जाके क्या उतारेगी, उतार अभी। मैं कहती हूँ उतार, उतार अभी। बड़ी लाजवंती है ना, बेशरम देख रहा। अरे उतार, जा जाके खाना पका, चल। चाची मैं, चाची मैं क्या कर रही है, जाती है ये उठाओ दूधी। अच्छा तो उतार लिए कपड़े दीदी ने, ये बाकी के कपड़े क्यों छोड़ती है, ये तुम्हारे अपने हैं क्या? रंजीत बाबू। क्या बुढ़े जी, आपने सिगरेट मंगवाई थी, चला दे अपने बाप की समाधि पर, समझा? दादी माँ, चुप हो जा मेरी दादी माँ, मैं मर क्यों नहीं जाती? ऐसा नहीं कहते, क्यों नहीं जाती? ऐसा नहीं कहते सीता। दादी माँ कुछ मत बोल मेरी बच्ची, कुछ मत बोल, मैं तेरे आंसुओं की समान समझती हूँ। भगवान, क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरी सीता को इन रावणों से बचा सके? खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बापू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। আমারে গিল গুমুরাইয়া উড়ে পারা পড়ছে উইটা বলে বটের সিরা কুড়ে, গুমুরাইয়া মারে গিল গুমুরাইয়া উড়ে পারা পড়ছে উইটা বলে বটের সিরা কুড়ে। বাতে কম কর কাম জিয়াদা কাকা, হ্যাঁ হ্যাঁ কাম সে হোগা নাম জিয়াদা কাকা, সমঝে বাতে কম কর কাম জিয়াদা রাকা, আরে কাম সে হোগা। अरे 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 हर हा उड़ती चिड़िया तेरे सदके, गिर मत जाना चलना बच के। मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। कदम पीछे, अरे बैठ, झूम के पीछे घूम ओ नकदे वाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे। झूम के पीछे घूम ओ नकदे वाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं, पापे समझे क्या, अम्मा
जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बापू समझे क्या, लाला समझे क्या। खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। तेरे की क्या हो गया उस्ताद? कुछ नहीं चीना, अपनी तो साली बैड लक ही खराब है। सीधा अट्ठा दिया डेली में। कल तो अट्ठा मारा था उसने, तुम क्या खेले थे? अरे मेरे को रात सपने में छक्का दिखा था, मैंने छक्का खेल दिया, घुस गया 2 रुपए मटके में। क्यों रे चीना, आज क्या बोलता रे? उस्ताद आज तो एक का गिरे ही गिरे। बराबर गिरेगा, बराबर। साले तेरे को तो डबल भी लग जाता है, अपने को तो सिंगल के भी बांधे। चलो भाई लोग अपना अपना माल उठाओ। जियो गीता, क्या बराबर की ढेरियां बनाई है। वाह रे राका, तेरी तो 5 नोटों का बंदोबस्त हो गया। और वो 2 नोटांक जो तेरे पैर के नीचे हैं, वो किधर जाएंगे? हाँ? क्या मतलब? सीधे तेरा पैर उठा और वो रुपए निकाल। अरे अरे अरे, ये यूं ही पैर पड़ गया होगा? तेरा पैर तो रोज पड़ता है, और जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना, तो फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार से चिपका दूंगा। अरे जा जा, तू क्या मुझे हाथ मारेगा? 36 का आंकड़ा बना दूंगी। गीता मेरा नाम है। मेरा नाम भी राका है। टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्या तू मेरी टांग तोड़ेगा? अपने दादा से मिलता है। अरे मेरे को काढ़ा दिखा रही है तेरी तो। अरे जाने दो, जाने दो। अरे मेरे को काढ़ा दिखा रही है। हट, चोरी करके ऊपर से चक्कू दिखा दे। बोलो उस्ताद को, चल जा चक्कू। अरे मेरे को ऐसे धंधा नहीं करना। ये क्या समझती है, रस्सी के ऊपर बंदरी एक तरह नाचती है तो पब्लिक आती है? नहीं नहीं नहीं, तू जब बागड़ बिल्ली तेरे कलाबाजियां मारता है ना, इस पर पब्लिक पैसा फेंकती है। अरे हो जाता है उस्ताद, धंधे में हो जाता है। अभी जरा सी बात पर काय को लफड़ा करने का? अरे क्या धंधे में हो जाता है, मेरे को कांटा काय को दिखाती है वो। गीता आ गई। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। अरे छोड़, पूजा की थाली गिराएगी। चल कभी मंदिर भी चला कर। पूजा की पूजा कर, मैं तो पेट पूजा करूँगी। अरे वो दीवानी, अभी तक खाना नहीं बनाया मैंने। हो गई छुट्टी। गीता बेटी, रात को काहे को आंखें फोड़ रही है? चीना कह रहा था आज फिर राका से तेरे चिल्लम चिल्ला हो गई। अरे ये तो रोज की बात है माँ, वैसे गलती मेरी थी। अरे क्यों झगड़ा करती है उस बेचारे से? कुछ कल की सोच, मेरा बुढ़ापा है, मेरी बात मान तो उसे का हाथ पकड़ ले। राका का हाथ? पर उसका हाथ पकड़ के क्या करूंगी माँ? अरे मूर्ख, मैं तो तेरे ब्याह की बात कर रही हूँ। किससे? राका से। आए हैं, ऐसी क्या बुराई है उसमें? जबान का जरा तेज है, पर दिल का तो अच्छा है। माँ तुम सठिया गई हो। हाँ हाँ मैं सठिया गई हूँ, तुझसे तो कोई बात करना ही। क्या है? दूल्हा आ रहा है। दीवाने खुशी से जी, दीवाने मौसम किधर है? है नहीं? अरे अरे तेरे, अरे राका की तरह ये भी पक्का है टूटा है भाई। देखा माँ, एक नंबर का बेवड़ा है, मैं इससे ब्याह करूंगी। हाँ हाँ, तेरी बारात तो चंद्र लोक से आएगी। आएगी, और साथ में आएगा चांदी के रथ पर बैठकर एक राजकुमार। गुड शॉट रवि। थैंक यू गुप्ता जी। ये स्टिक देखिए आपने, देखिए कितनी लाइट है, ब्यूटीफुल। मैं लंदन से मेडिकल डिग्री के अलावा सिर्फ गोल्फ स्टिक लाया हूँ। दैट वे यू आर एन एक्सेप्शन रवि, वरना हमने देखा है लोग लंदन से डिग्री के अलावा और कभी कभी डिग्री के बजाय मेम लेकर आ जाते हैं। जो लाते हैं उन्हीं को मुबारक। मैं ये नहीं कहता गुप्ता जी कि वहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर नाइस गर्ल्स, लेकिन हमारे और उनके कल्चर में इतना फर्क है कि शादी, आई डोंट नो। तुम्हारे ख्याल में एक आइडियल बीवी का क्या इमेज है? एक सिंपल सी साड़ी पहनने वाली, अच्छा खाना पकाने वाली, सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की। अरे कैसी लड़की चाहिए उस मुए डॉक्टर को? सीधी सादी हिंदुस्तानी, बिल्कुल अपनी सीता की तरह। सीधी सादी? हाँ। हिंदुस्तानी? हाँ। बिल्कुल अपनी सीता की तरह। बेशक।
शीला। आओ बेटी। जीती रहो। क्या यही? जी नहीं, ये मेरी बेटी है शीला, बीए में पढ़ रही है। मम्मी आंटी के लिए कुछ चाय कॉफी लेकर आओ। नहीं बेटा, तू बैठ जा, रामू कर लेगा, बहुत शौक है इसे घर के काम करने का, आजकल की लड़कियों जैसी तो आदत इसमें है ही नहीं। अच्छा बेटी, तो अपने साथ सीता को नहीं ले आई? जी वो घर अपने कमरे में। मैं ले आती हूँ, मैं ले आती हूँ। बेटा तू आंटी से बातें कर, मैं अभी आई। जी अरे रामू, ये तो बता देखने में कैसा है लड़का, तूने तो देखा ही होगा। देखने में तो भला लगता है, अच्छा ही होगा सीता बिटिया के भाग से। अरे सुन सुन, नाम क्या है उसका? रवि बेटे, तुम बहुत चुप हो। बेटे बोल लो, जितना भी बोलना है, शादी के बाद बोलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। यो बद्रीनाथ जी। चल नहीं तो चाची चल। आ बेटी बैठो। बैठो ना। क्या यही सीता है? जी हाँ। गुप्ता जी ने तो हमें और ही कुछ कहा। अब गुप्ता जी तो 18वीं सदी की बातें करते हैं, आजकल की लड़कियां फैशन नहीं करेंगी तो क्या हम तुम करेंगे? और फिर ये तो तरक्की का जमाना है। क्यों रवि? हाँ रेडी, लगता है आजकल हमारे देश ने विलायत से भी ज्यादा तरक्की कर लिया। सीता बेटी, ये सब तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहते हैं, जाओ चाय ले आओ, जाओ जाओ। रामू सीता को ट्रे दे दो। चलो बेटा, चलिए। आओ जी। आप लोग इस तरह जा रहे चौधरी साहब, ऐसे ऐसे नहीं। बद्रीनाथ जी, जरा देर भी हो गई है, अब फिर आएंगे बैठेंगे। आओ बेटा रवि, चलिए। आओ जी। लेकिन चौधरी साहब। चलिए। जरा सुनिए चौधरी साहब, भगवान के लिए एक पल को रुकना भैया। चौधरी साहब हमें जलील करके मत चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। मेरी सीता ऐसी नहीं है, वो आपकी बहुत सेवा करेंगी, भगवान के लिए चौधरी साहब। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बेटा रवि, इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। मैं बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ। नहीं दादी माँ, बस कीजिए दादी माँ। रवि, तुमने अच्छा नहीं किया।
सकता है। बस एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दुख देखकर खून के घूंट पी कर रह जाता हूँ। लेकिन गम क्यों करती हो रवि? क्या तुम्हें हजार गुना अच्छे लड़के मिल सकते हैं? रंजीत बाबू आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारा भी जवाब नहीं, जिसे जान ना पहचान उसका शोक मना रही हो, और जो मरते हैं तुम पर उनकी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं। आप यहाँ से जाइए। नहीं तो क्या करोगी? मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी लेकिन बदनामी तुम्हारी होगी। सोच लो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं आपकी आंखों के सामने। चाची चाची ये झूठ बोल रहे हैं। जब तुझे बोलने के लिए कहा तब बोल। क्या हुआ रंजी? दीदी दोपहर में ये मेरा कमरा साफ करने आई, उसके बाद बटवा गायब, कौन ले जा सकता है इसके सिवा? क्यों री जलील कमीनी, तूने ये चक्कर में शुरू कर। चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। हाँ हाँ कौशल्या, अगर चुराया होगा तो यही कहीं होगा, तुम पहले देख तो लो। हाँ दीदी तुम भी तलाशी लो, मैं भी तलाशी लेता हूँ। ये रहा दीदी। है? हाय कमीनी, चुड़ैल, एक तो तू चोरी करती है, ऊपर से कैसे रहती है? बोल। दीदी, तुम हट जाओ यहाँ से। तुम्हारी मार का असर कुछ नहीं होगा इस डकैतनी पर। चोर कहीं की, मैं तेरा खाल खेल के। ये खुशहाल बचाएगी तुझे। दादी माँ मुझे बचा लो, इसे छोड़ दे रंजीत, मैं तेरा हाथ छोड़ती, इसे मत मारो। तो समझा ले इसे बुढ़िया, अपनी हैसियत से रहे वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। दादी माँ चुप करो, अजी कहाँ हो? ओह लो तुम यहाँ खड़े हो। क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ, जानती हो तुम्हारी भतीजी ने क्या गुल खिलाया? सीता ने? अब क्या किया है उसने? अरे करती क्या, कंबख्त भाग गई। सीता भाग गई? हाय राम अब क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, हमारी तो नाक कट गई। नाक नहीं यूं कहो जेब कट गई। तुम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे तो उसे भागना ही था। अरे अब यूं खड़े लेक्चर देते रहोगे या कुछ करोगे भी? कुछ करना तो चाहिए लेकिन क्या करूं? अरे उसे ढूंढो, पुलिस में रिपोर्ट कराओ, फोन कराओ, चलो जल्दी। हाँ हाँ जल्दी उसको छोड़ो। अरे इसको तो छोड़ दो ना, मुझे तो आजकल उसके लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं थे, बहुत तक तक दीदे चलने लगे थे उसके। हाय राम आज सुबह रंजीत को भी दिल्ली जाना था। अरे लाइन लगी। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर राणा स्पीकिंग। देखिए मैं बद्रीनाथ बोल रहा हूँ, बात यह है कि हमारी बेटी भतीजी, हाँ जी मेरा मतलब है कि हमारी भतीजी सीता घर से यानी कि कुछ चली गई। जी चली गई। हाँ हम बहुत परेशान हैं। जी हाँ जी ऐसा कीजिए आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, और हाँ उस लड़की का फोटो भी लेते आइएगा। जी हाँ हाँ बेशक जी, थैंक यू वेरी मच। हाय वो नहीं मिली तो हमारा क्या होगा, वो कंबख्त गुप्ता का बच्चा तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हे भगवान अब तेरा ही सहारा है।
मौसी, मौसी क्या पकाया आज? अरे बेटा, चूल्हा गर्म होके ठंडा हो गया, गीता का पता ही नहीं। गीता तरकारी लेने गई है। ठीक है मौसी, फिर तो भगवान का नाम लेके व्रत रख लो। वो वहाँ गली के बच्चों के साथ गोटियाँ खेल रही है। क्या? मैं यहाँ रास्ता देखती हूँ और वो वहाँ गोटियाँ खेल रही है। सबकी गोटियों में बहुत लग है, ये तो जीते ही जीते। क्यों बस क्या, सबकी गोटियाँ खिला है? आ, खेल, 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 खेल। निकाल निकाल निकाल। कौन सी गोटी मारो? हरी गोटी को मार। हरी गोटी, हरी वाली, हरी वाली, हरी वाली। अरे लड़के के पांव पे को रखती है। मैं लाइन से आगे गई, बहुत बोलता रे, दूंगी एक लाफा। चलो मम्मा जल्दी करा, टेम को लगाती है। उल्टी बात पे मेरे को बहुत खुन्नस आती है। कौन सी, हरी वाली? हरी वाली। ये भी ऐसे, मैं भी ऐसे, दो घंटे से घर से गुल है, बहुत क्यों है? देखो क्या प्यार करे, बहुत दिल खुश किया है तुमने मेरा। वो तो माँ और आका का के उसने मुझे बताया। अच्छा तो इसने आग लगाई है? बहुत क्यों रे हल्का, तुझे मैं कब्जा खा जाऊंगी। बिल्ली, जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली बोलते हैं तू? होगा पागल बिल्ला, तेरा बाप होगा। क्या समझती है अपने आप को, जब देखो मारती रहती है। देखो घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ढूंढे तुझे मेरी चूती, राका पकड़ तो इसे। अरे ये तो गई मौसी, अपने धंधे का क्या होगा? अरे क्या मौसी, छोटी छोटी बात पे लफड़ा खड़ा कर देती हो तुम। वो बेचारी गोटी खेलने जा और क्या कर रही थी, बच्चों को डंडे से मारते। अच्छा देखो भाई, तेरा सत्यानाश, जा। इतना बड़ा हो गया अभी भी रोता है, क्या हुआ तेरे को, किसने मारा तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं रे? मेरे स्कूल के फीस उस आदमी ने। अच्छा, जुगाड़ में हार गया था स्कूल का फीस, खेला काई को था रे। अच्छा चल मेरे साथ। लगाओ, लगाएगा पाएगा नहीं तो खड़ा करा पछताएगा। लगाओ, देखो देखो बादशाह है, लोचा खा गया। लगाओ, लगाओ बेगम, पकड़ो बेगम। अरे ओ चिड़ी के गुलाम, बेगम इधर है। शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे के साथ चार सौ बीसी करते हुए? अरे तो जेब थोड़ी काटी है, जुगाड़ में हार गया तो मैं क्या करूँ? अरे तेरी जुगाड़ क्या जेब काटने से कम है? निकाल इसका पैसा। और नहीं दूंगा तो क्या करेगी? क्या करूंगी? गली में तीन पत्ते का अड़ी लगाता है। नहीं साहब। देखो क्योंकि इस बच्चे का स्कूल का फीस लूट लिया। अरे क्या बेकार की बात करते हैं। देखो साहब, क्यों रघु फिर धंधा चालू कर दिया? कड़की थी साहब। सकाराम कितने पैसे थे जेब में तुम्हारे? इसको ले जाओ, बंद कर दो और इसकी जेब से 20 रुपया निकाल के इसको दे दो। और सुनो, अब अंदर से तुम जुआ खेलोगे तो तुमको ही बंद कर दूंगा, समझे? चलो चलो। और सुनो तुम जाओ हॉल। अच्छा देखो, तुम्हारे साथ आओ, तुम्हारा बयान लेना। मेरा बयान? सीताराम एक ग्लास पानी लाओ। बयान तो दे देगा साहब, अपन कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ेगा। अपन ठहरे काम धंधे वाले लोग है कि नहीं, आप ही बोलो। अजीब बात है, आप यहीं चली आई? जी मैं बड़ी बिंदास हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ। हेलो, कौन, बद्रीनाथ जी? वो मिल गई, यही है। आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी आ जाइए, हैं? 5 मिनट। साहब मेरा बयान अभी लिखवाता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम इस तरह घर से चली क्यों आई? बात ये है साहब, ये रोज रोज के खिटखिट अपन को पसंद नहीं, बस चली आई, अब ढूंढते होंगे। कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों को टेलीफोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग? तुम्हारे चाचा और चाची। क्या 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 क्या, मेरे क्या चाचा और चाची? मेरा न कोई चाचा है न चाची। बुरी बात है, छोटे मोटे झगड़ों से कहीं रिश्ते थोड़ी टूट जाते, ऐसा नहीं कहते सीता? सीता, ए भाई ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम जी की। पकड़ो जाने पाए, तुकाराम, सखाराम, सखाराम, पकड़ो।
ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारी भतीजी सीता कहाँ है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी बताइए कहाँ है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? सूदी देख लीजिए, नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। सीता बेटी, हम तेरे चाचा और चाची हैं। सूरज से तो चमचा और चमची लगते हो। हम तुझे घर ले जाने आए बेटी। मुझे क्या अपने बाप का मान समझ लिया? देखो लड़की, अगर तुम सीधी तरह नीचे नहीं उतर आओगी तो मैं पंखा चला। अरे पंखा मत चला भाई, पंखा मत चला, नीचे बोलते नीचे आ जाती हूँ। चाचा बेटी, चमची मेरा मतलब चाची, कौन सा तेल लगाती हो? क्या कहा? हम अपनी भतीजी को ले जा सकते हैं? अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए महाराज। अजी अब चलो, अभी चलना हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, चलो बेटी चलो चलो। नमस्ते भाई, नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की हम पे। अरे अब आओ भी जल्दी। हाँ भाई चलो ना। उतर लीजिए। वाह 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 वाह, गाड़ी तो क्या चीज है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना। क्यों? अरे क्यों चाचा? हाँ। हम जा कह रहे हैं। घर जा रहे हैं और कहा? घर? हाँ। किसका घर? सब पता लग जाएगा, जरा घर चल। मारे जूतों के तेरी चट्टी ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं जुड़े। ये कोनी क्यों मारती है मोटी? क्या कहा? नहीं नहीं, सिर्फ प्यार से कहा मोटी, सुन रहे हो जी? जाने दो बच्ची है, तेरी दो गज लंबी जबान काट के फेंक दूंगी तेरी ये वजह। अरे अरे ये क्या चक्कर है, थाने में तो बेटी बेटी और बाहर निकलते। चुप रहे बता। अरे बहुत पकड़ो ना जल्दी, अरे जल्दी पकड़ो। अरे बेटी वो हमारी बेटी है ना, वो पागल है, उसे हम अस्पताल ले जा रहे थे, हाथ छुड़ा कर भाग गई। जरा पकड़ दो बेटा, जरा पकड़ दो, जरा पकड़ दो बेटा, जरा जल्दी, जरा जल्दी, जरा जल्दी। अरे जो, ए बाबा
अरे तेरा आँख का अंदर कचरा भरेला है क्या? दिखता नहीं है क्या? गाड़ी को सडनली ब्रेक लगाता है, हाँ? तेरे को लाइसेंस क्यों नहीं दिया, हाँ? चालनी रवा देनी ए शिरीन चुप बैठी तारी बाबड़ी बनकर ए कुछ घंटे घंटे को साली भरी चाहे मारो नल्लो रुस्तम से अच्छा अरे पण मारो गप्पर पण टोडी नाक्यो गाड़ी चलाटा का जेम्बो छे अरे मारा काच का बट्टी पण टोडी नाक्यो अरे आंखो में चश्मा लगा नेटो नेटर पड़वा लगा साला गाड़ी चलाटा का खटारा सिग्नल दिया नहीं ना ब्रेक लगा दिया इधर बात कर इधर क्या जिधर बोलेगा उधर बात करेगा ब्रेक कैसे लगाया तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक लगाया क्या हमारा गाड़ी का तुम कैसे ब्रेक लगाएगा पब्लिक कैरियर है क्या अरे हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाया था हाँ तो फिर क्या अरे अरे कमाल से पर देखने को तो बनता है कि पीछे से हम आ रहे हैं अरे तुम देखने के है क्या चल चल अभी जासी श्रेणी मत लगाओ एक बार देखता ही ऊपर अरे हम क्या देखेगा हम तो अगर था हमारे पीछे आंखी थोड़ी है जो तुमको देखता तुम तो पाछड़ता तुमने गाड़ी को नहीं देखा बराबर दीवानी लगती है बहुत बड़ी दीवानी है मेरा दादागिरी नहीं चलेगा हम पुलिस केस करेंगे हवलदार को बुलाएगा इंस्पेक्टर को बुलाएगा नंबर लग शिरीन अरे मार आर आर सालों गयो। कभी भी कोई फांदा हो जाए तो बात ऐसे करनी चाहिए अच्छा हाँ एक बात तो बताइए आप इस गाड़ी में कहाँ से आ गई कहाँ से आ गई दरवाजे से और कहाँ से मेरा मतलब था आप इस गाड़ी में कहाँ बैठ गई कहाँ बैठ गई सीट पर मेरा मतलब है क्या मतलब है पूछे ना अच्छा छोड़े जाए अच्छा एक बात बताइए आप जा कहाँ रही आप कहाँ जा रहे मैं तो अपने माँ बाप से मिलने महाबलेश्वर जा रहा हूँ तो क्या इधर की आधी गाड़ी महाबलेश्वर जाएगी और इधर की और कहीं अगर भगवान ने चाहा तो जाएगी तो पूरी है तो फिर क्यों पूछ रहा है मैं भी वहीं जा रही हूँ आपका तो जवाब नहीं है मेरा तो जवाब नहीं है मगर आपके तो सवाल बहुत है क्या बात है तुम तो कोई बहुत बड़े आदमी लगते हो लगता हूँ लेकिन मुश्किल ये है कि आदमी जो लगता है वो होता नहीं अब देखो ना क्या लग रही थी उस दिन किस दिन उस दिन हाँ उस दिन क्या लग रही थी एक बेवकूफ सी गेगली सी फैशन की मारी लड़की जो अभी अभी पाउडर के बोरे से निकलकर क्रीम से लथपथ होकर लिपस्टिक लगा के नहीं चबा के आ रही मैं और नहीं तो क्या मैं और आज देखो जानती हो तुम इन कपड़ों में क्या लगती हो क्या बंजारन वो तो मैं हूँ तुम क्या हो ये तुम्हें नहीं जानता लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ छोड़ो इन बातों को इससे पहले कि मम्मी डैडी आ जाए तुम इन कपड़ों के बजाय एक अच्छी सी साड़ी पहन लो साड़ी हाँ साड़ी हाँ लेकिन इनमें क्या बुराई है कोई बुराई नहीं है अच्छे हैं लेकिन क्या ये जरूरी है कि जब भी मेरे माँ बाप तुम्हें देखें तुम हमेशा फैंसी ड्रेस में हो जरूरी है जरूरी तो नहीं तो भी चलो हाँ हाँ चलो ये मेरी बहन का कमरा है निर्मला शादी वादी हो गई आजकल जो भी नहीं अरे हाँ उसकी तो साड़ी है इसमें जो भी पसंद आए पहन लो पहन लो हाँ अभी पहन लेती हूँ छोड़ो जाने दो इसको वो पैरों पे बांधते हैं और चलते हैं अच्छा वो मेरे ख्याल से मम्मी डैडी आ गए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ मैं भी आता हूँ हेलो मम्मी हेलो सैन हेलो डैड बेटा माली कहता था तुम्हारे साथ कोई लड़की हाँ वो सीता ना सीता मुझे रास्ते में मिल गई और मैं तुम उसे यहाँ ले आए क्या जरूरत थी देखे डैडी मम्मी सीता के बारे में जो आज तक हम सोचते थे ना सीता वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है
और वो जो कुछ उस दिन जो हमने देखा था वो सिर्फ ड्रामा था। ड्रामा? ड्रामा? हाँ मम्मी ड्रामा। आज तुम्हें उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। She gave me a real surprise. मम्मी, वो तो बहुत ही स्मार्ट लड़की, बहुत अच्छी लड़की। उसे देखे बगैर आपको भी यकीन नहीं आने वाला। आप यहाँ ठहरिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। तैयार हो गए? स्केट्स वो पैरों में बांध के चलते हैं फिसलते हैं कभी कभी। अच्छा मेरे डैडी मम्मी से नहीं मिलो? हाँ तो फिर चलो चलो। चलो हाँ चलो चलो चलो। ओफो तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो ना? हूँ। इसीलिए मेरे डैडी मम्मी के सामने शर्माना तुम्हारा फर्ज है, समझे? समझी। चलो शर्माओ। पहले चलो तो शर्माओ ना। अरे हाँ चलो। ज्यादा हो रहा है। ठीक है अब चलो। हाँ चलो, लेकिन मुझे वहां जाके करना क्या है? कुछ नहीं, पहले हाथ मिलाना जी। अरे आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई। पैर छू लेना है ना? आपके? अरे मेरे नहीं, मम्मी के। फिर? डैडी के। फिर आपके? बाद में देखेंगे। डैडी मम्मी आप तो जानती हैं ना। आओ आओ बच्चो बैठो। आप भी बैठे ना। बैठे ना। और सब अच्छे हैं ना? अच्छे? हाँ हाँ सब अच्छे हैं, मुझे तो सब अच्छे लगे अभी। अरे मैं यहाँ की बात थोड़ा ही कर रहा हूँ, तुम्हारे चाचा और चाची कैसे? बाप रे, ये चाची मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जी। वो क्यों बेटी, क्या तुम्हारे साथ उनका सलूक अच्छा नहीं? पब्लिक के सामने तो बड़े प्यार से बात करती है, बेटी 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 बेटी, लेकिन अकेले में एकदम भुतनी बन जाती है। देखा माँ, मुझे उसी दिन डाउट हो गया था। डैडी मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो लड़की थी ना, क्या नाम, शेलू, शीला, 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 उसने से टांग मारी थी। देखो झूठ मत बोलना, टांग मारी थी। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या झूठ बोलना। हाँ टांग तो मारी थी। बराबर, हाँ टांग मारी थी। यानी कि उस दिन जो हमें दिखाया गया वो सब एक तमाशा था। आप ही बताइए, तमाशा नहीं करें तो और क्या करें? इस पापी पेट के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तुझे क्या जरूरत है, तू कौन से उनके टुकड़ों पे पलती है? अजी मैं तो कहती हूँ मुझे तो नफरत हो गई उन लोगों से, उस दिन किस हुलिये में से हमारे सामने लाए थे, और आज देखा कैसी अच्छी लगती है। जी मैं मांगे के कपड़े में हमेशा अच्छी लगती हूँ। भाई कुछ भी कहो, लड़की में बनावट बिल्कुल नहीं है। बेटी तुम्हारा सामान कहाँ है? जी सामान? हाँ सामान। हाँ सामान। बात यह डैडी, और बात यह मम्मी कि इनका सामान पीछे पीछे रहेगा और ये आगे 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 पीछे सामान। भगवान मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। मैं तेरी शरण में आ रही हूँ। कुत्ती मारा यार, एकदम जबरदस्त तैरने वाला है। अबे 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 खेल जा पत्थर। मौसी, ओ मौसी, गीता, क्यों
क्यों रही? क्या हुआ? क्या हुआ गीता को? राकल आ रहा हूँ उसे, गीता दरिया में आत्महत्या कर रही थी। गीता उठ बेटी, उठ जा बेटी। गीता, अरे ये बोलते भी नहीं। मैं घबरा नहीं बेटी, तू बिल्कुल ठीक है। मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। नहीं नहीं बेटी, मरे तेरे दुश्मन, इतने झगड़े में कोई जान थोड़े ही दे देता है। अभी मेरे को क्या मालूम था मजाक मजाक में इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अब ठीक है। ये सब क्या है? आप कौन है? तुझे क्या हो गया है? मैं तेरी माँ हूँ गीता। गीता, मैं सीता हूँ। हाय राम, क्या हो गया है मेरे लड़के को? बेटा ऐसी बातें ना कर पगले, अब तुझे कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा। मैं तुझे प्यार करूंगी, मेरे पास आ, मेरे गले लग जा। अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी ना बेटा। माँ, रोते नहीं, क्यों रोते हो? आ, आ बेटा। माँ, बाप रे, इस तरह जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी। टूटती है तो टूटने दो, तुम डॉक्टर किस काम के हो? वो बांधो ना वो सफेद सफेद, वो क्या होता है? सफेद सफेद? अच्छा अच्छा, प्लास्टर। बिलास्टर? हाँ हाँ, ब्लास्टर नहीं, प्लास्टर। प्लास्टर, पी नहीं, प्ला। छोड़ जाने दो। देखो, अगर तुम्हें सचमुच स्केटिंग सीखनी है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पूरा वजन आगे के पहियों पे रखना चाहिए, क्यों समझे? तुम क्या करती हो, पीछे के पहियों पर वजन रखती हो और इसलिए तो डॉक्टर साहब, अगर आपको सचमुच स्केटिंग सीखना है तो एक बात जरूर याद रखिए, अपना वजन पिछले पहियों पर नहीं अगले पहियों पर रखना चाहिए। ऐसे। अरे अरे, ए ए ए ए। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उसपे अपना दिल भी है दीवाना, से आके नाटक का जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला ला
ला ला। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, अरे नागन बन के इस रुत को डसने दे। ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, बन के काजल वो साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी रेशम जुल्फें लहराने दे, ला 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 ला। अपनी रेशम जुल्फें लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल ओ साथी चल। La 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 जी आप ही हैं। मैं तुझे। अरे सोच क्या रहे हो, तुम ही तो हो बद्रीनाथ, बोलते क्यों नहीं? क्या यही आपकी भतीजी सीता है? अरे नहीं भाई। अरे तो कहाँ चली गई थी सीता मेरी बेटी? महाबलेश्वर गई थी हाथी मेरे साथी। आप लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब इसका ऐसा इलाज होगा कि इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा तो हम लोग चलते। हाँ चलिए। तू कहाँ चली बेटी? अच्छा भाई देखो, मजाक मजाक बहुत हो गया, अब मेरे बेटी सीता, सीता मेरी बच्ची सीता, सीता सीता मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? अपनी दादी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटी? तुम कहाँ चली गई थी? हाँ हाँ लगा ले कलेजे से, अब क्या कस्बे बहाती है बुढ़िया, जरा पूछ कहाँ वो काला करने गई थी कम्बख्त। अब खत्म करो कौशल्या, मेरा मतलब है क्यों अपना मुंह खराब करती है? तुम चुप करो जी, तुम्हें इसे सर पे चढ़ा रखा है, कान खोल कर सुन ले, अगर फिर कभी इस घर से कदम बाहर रखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल बेटी, अब तुम क्या खड़े उसकी आरती उतारोगे? चलो ऊपर। अरे अरे इन्हें क्या हो गया?
बेहोश हो गई बेचारी। दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना। चलो बिटिया इन्हें कमरे में ले चले। तीन दिन से बुखार में भून रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये देखो दवा दारू तो दूर की चीज है, जब से तुम गई इन्हें ठीक से खाना मिल गया हो तो ये भी बड़ी बात है। और दीदी एक दिन दादी माँ ने मम्मी से दवा मांगी तो मम्मी ने दादी माँ को बहुत सारी गालियाँ दी, पता नहीं क्या क्या कहा। अपनी चाची का स्वभाव तो तुम जानती हो बेटी, तुम्हारा सारा गुस्सा इन्हीं पे उतरता था। सीता, सीता, मेरी बच्ची, कहाँ है तू मेरी बच्ची? मैं दादी माँ मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मेरी बच्ची तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? सीता बेटी अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना, और मेरी बच्ची तू चली गई तब मैं मर जाऊंगी, नहीं जाएगी ना बेटे? नहीं दादी माँ मैं नहीं जाऊंगी, जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू है, जब तक तुम्हारे दिल में दर्द है, जब तक इस घर में जुल्म है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस्ताद उस्ताद क्या रे? अरे क्या जबरदस्त खबर आई है, अमेरिका के लोगों ने चांद पर गाड़ी चलाई। अरे साला फेंकता है, कौन चांद पे गाड़ी चलाएगा? अरे नहीं उस्ताद फोटो आईला है देखो। अरे हाँ ये तो चला रहा है। अरे अमेरिका वाले तो कहीं भी गाड़ी चलाएंगे, अपनी गाड़ी तो फिर बंद हो गई। जीना क्या हो गया छोकरी को, एकदम ठंडी हो गई यार। अरे यही तो मैं सोचता हूँ उस्ताद, पानी में डुबकियां क्या खाली, ये तो देवी बन गई। अरे आजकल बात क्या करती है? आइए बैठिए। मेरे को बड़ी खुन्नस आती है, सब धंधा ही बंद कर दिया। ये नहीं आती ना है, अपन आज काम पे जाएंगे। कंटाल आ गया बैठे बैठे। पूछ लेना इससे भी उस्ताद, अरे चलती है तो चले। अरे मेरे को नहीं पूछना, तेरे को पूछना तो जा पूछ। अच्छा मान जाए तो अच्छा ही है। क्यों कब तक चलेगी तेरी ये हड़ताल? हड़ताल? अरे इतने दिन हो गए घर बैठे, कुछ काम धंधा नहीं करना क्या? काम धंधा हाँ करना है। तो चल काम पर। जरा माँ को आने तो मैं पूछ लेती हूँ। अरे बेटी ले आ गई मौसी। तूने तो सारे ही कपड़े धो डाले, अब पूछना। माँ मैं काम पर जाऊँ। बेटी जी चाहता है तो जा, नहीं तो घर में बैठ। मौसी घर में बैठी बैठी क्या करेगी ये, देखना कैसी गुपचुप बीमार सी हो गई है, जरा घूमे फिरेगी तो बदन में जान आ जाएगी इसके। मुझे मत पूछ, तू जाने और ये जाने। ठीक है चल चल। चलिए चलिए इन्हीं कपड़ों में चलिए। अरे चल दे दो ना उस्ताद, कह को खोटी करते हो। अरे रस्सी पे। ठीक है इन्हीं कपड़ों से टाइम आते हैं चल। हाँ तुम मेहमान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपना काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े। माई बाप ये खेल कोई मामूली खेल नहीं है, तमाशा कोई मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पतली रस्सी पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पे चलना पड़े, लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। लड़का एक कदम पीछे जा बचा, आप में से जो भी बाबू मिस्टर सेठ साहब 10 पैसा 20 पैसा 40 पैसा रुपया 2 रुपया फेंकना चाहे चादर में फेंक दे। हेलो साडा एडवांस। और सत श्री अकाल सरदार जी। बाबू जी साडा भी एडवांस ले लो, लेकिन शो का मजा आ जाना चाहिए। और सरदार जी का बनू है चोला बजा, ताली बजाओ। हाँ तो मेहमान अब आपके सामने आ रही है वो लड़की जो रस्सी के ऊपर इस तरह चलेगी जैसे पटरी पर रेलगाड़ी। जमुई हाँ बैठो। आ रही है, आ रही है वो लड़की, आ रही है, आ रही है।
कहूंगा, चाहे चार श्रीमान भी खड़े होते हैं वहाँ एक डबल श्री भी होता है। इसलिए माई बाप जय पाकि से होशियार, कहीं ऐसा ना हो माल मनी ऑर्डर हो जाए, रसीद ना पहुंचे मेहमान और रसीद ना पहुंचे। किसने कहा है पारा मारे ना मरे गंधक ना दे तेल, पारा मारे ना मरे और गंधक ना दे तेल, लाखों साधु मर गए सर में डाले तेल। देखे सहमान इस रस्सी पर चलना इतना आसान काम नहीं, ये लड़की जो यहाँ आड़ी चल रही है एक बार रस्सी पर चढ़ गई तो ऐसे चिपक जाएगी जैसे चमगादड़। चल जा मिटा दे अपनी हस्ती को घर मरतबा चाहे, चल जा चल जा। मरवा दिया मेरे को तूने, मैं क्या जा रहा से आ? ए ते आकदा सी कुड़ी रस्सी ते चलेगी। ओए ते मैनू कोई बदमाश नजर आंदा है, ए बेचारी कुड़ी नु पता नहीं कितों सागे ले आया, पब्लिक नु ठगदा मारो साले नु। सरदार जी सरदार जी मेरी बात सुनो सरदार जी। सरदार जी की करदा मारो मारो। देख मौसी बहुत हो गया, आज से तेरी छोकरी से अपनी भागीदारी खलास, एकदम फिनिश है। इतना काहे को गुस्सा करता है जरा सी बात पर? जरा सी बात ये तो कहो, बच गया मैं, मरवा दिया था इसने मुझे। चलना तेरे को कौन मार सकता है? अरे तू बॉम्बे की पब्लिक को नहीं जानती मौसी, खोसा तो खोस बिगड़ी तो थोबड़ा बिगाड़ के रख देती है। अरे इसे धंधा नहीं करना था तो बोल देती, इतने लफड़े क्या जरूरत थी। मौसी जरा सुई धागा दे। हाँ। साली सड़के भी लग गए और जो माल पाकर में था वो भी गया, खाने के भी वांदे हो गए उस्ताद। है तो यही खा लेना, ले। जब से इसने दरिया में कूदी मारी है मौसी तो उसका ज्यादा ही लाड करने लगी है। अबे खोस खोस। लाइए मैं सी दूं। तू सिएगी हैं? चल फट लाइए ना लीजिए, कमीज दे दीजिए मैं सी देती हूँ। यार चीना ये टेलर मास्टर कब से बन गई? उस्ताद एक बात बोलूं, जब छोकरी सुई धागे पर चलना सीख जाए तो समझो रस्सी पर नहीं चल सकती। हाँ राका चला बेटा खाना खा ले। पालक का साग उरद की दाल क्या बात है मौसी। उस्ताद मैं तो चालू होता हूँ। आ मजा आ गया, क्या साग बनाया मौसी, जी चाहता है तेरे हाथ चूम। अरे ये मैंने नहीं इसने बनाया है। इसने देखा ना चार दिन घर क्या बैठी सारा काम काज सीख गई। उस्ताद तुम साग बनाने पर मौसी का हाथ चूम रहे थे, अभी क्या बोलते हो हैं? चबा चल कर लगा। ओ सीता क्या हुआ बेटी, कब से पुकार रही मम्मी सुनती नहीं है चुपट? अरे कहीं फिर तो नहीं भाग गई चुड़े? जरा बेटी नीचे जाके देख तो। हे राम माय गुडनेस अभी तक चोरी है लेकिन बहुत। सीता उठ। उठती है तेरी तरह या फिर आज पिटता है मम्मी से? ओफो यू नहीं मानेगी क्या? भंकस की बच्ची, बहुत बाहर की हवा लग गई है तुझे, दिमाग खराब हो गया आजकल मूवी का, जरा उठ तो सही, उठ मैं बताती हूँ तुझे, चल बाहर। अरे क्या हो रहा है तुझे? अरे तेरी ये मजाल, बेशरम बना दूंगी। हाय
फिर कभी मेरी नींद खराब की तो तेरा खुलिया खराब कर दूंगी, समझी? समझ गई बेटी। बेटी अच्छा, आज से इस घर का खाना कौन बनाएगा? वो मैं बनाऊंगी बेटी। और सुबह की चाय? तो वो मैं बना दिया करूंगा, जब तू नहीं थी तो चाय मैं ही बना करता था। अच्छा, तो सुबह सुबह उठ के आप चाय बनाते थे और ये भैंस चादर तन के सोती थी। सुन ले मोटी, चाय भी तू ही बनाएगी। बनाऊंगी। शाबाश। अब ऐसा कर, जल्दी से जा और मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के लो, एकदम कड़क। लाती हूँ जी। मम्मी मेरे लिए भी चाय कड़क। चुप है आप, आवाज ऊंची की तो पड़ेगा लाफा। चल इसके लिए भी चाय बना के ला, जल्दी। लाती हूँ जी। कौशल्या। हाँ जी। रास्ता दिखा दूं तुम्हें रसोई घर का? इधर आ। मैं? हाँ तू। जी की बच्ची, ये टेबल इतना गंदा क्यों है? हाँ? क्या कल से रोज सुबह जल्दी उठेगी और सारे घर की सफाई तू करेगी, समझी? दीदी चल चल हो जा। शाबाश। बेटी मैंने तो सुना था कुत्ते की तुम 12 साल भी सीधी नहीं होती, लेकिन आज ये सब। चाचा जी, तुम पर कभी जोर से झटका दिया होता तो तुम तो क्या कुतिया भी सीधी हो जाती है। क्या फिल्म है उस्ताद, अपना तो पैसा वसूल हो गया। अभी क्या होता है उस्ताद, हीरो अपना बाप से बोलता है ना मुझे तखत मांगता है ना ताज मांगता है, सिर्फ हीरोइन से शादी करने का है, खलास। अरे बड़ा धांसू फिल्म है, किधर लगेला है? अरे इधर ताज टॉकीज में लगेला है, अपन भी देखेगा। हाँ, अभी क्या होता है उस्ताद, बादशाह एकदम हलकट है, अपनी हीरोइन जो होती है ना उसको जेल खाने में। अरे ओ लीला मौसी की लाडली, ये सर पे पल्लू हाथ में थाली किधर जा रही है? मंदिर। मंदिर? अरे तू और मंदिर। मंदिर जा रही है? आप भी चले ना मंदिर। मैं और मंदिर? अरे मुझे क्या लेना है भगवान से, तू जा, अपने पास टाइम नहीं है। दुनिया वालों का तमाशा दिखाने का टाइम है, और वो भगवान जिसके सामने ये दुनिया तमाशा है उसके लिए टाइम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। देख तू मेरे साथ ये उल्टी सीधी बातें मत किया कर, अपन ठहरे मदारी आदमी। भगवान भी तो एक मदारी है, बहुत बड़ा मदारी। तुम हवा में 3 गोले एक साथ उछालते हो, लेकिन उसके फेंके हुए लाखों करोड़ों गोले कब से आसमान में घूम रहे हैं। तुम अपनी मुट्ठी में 54 छुपाते हो और खोलते हो तो 58 निकलती है, लेकिन भगवान जब अपनी मुट्ठी में चांद को छुपाता है तो सूरज निकलता है ना? सरस क्या बात करती है, मेरी मान तो तू इस बार इलेक्शन में खड़ी हो जा। क्यों उस्ताद? अच्छा मैं जाती हूँ। अरे तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ, इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं नहीं वो तुम अचानक आ गए ना, तो तुम अचानक चली जाती हो, हम अचानक चले आते हैं, अपनी अपनी आदत है। बैठो। बैठ जाए। हाँ हाँ बैठो ना। क्या पियोगे? समझदार आदमी सिवाय पानी के और कुछ नहीं पीते, इसलिए तकल्लुफ की कोई बात नहीं। पहले ये बताओ घर में कोई है? क्यों हम कोई नहीं? आप तो कोई हैं ही, लेकिन आज हमें सिर्फ कोई से नहीं, कोई के चाचा से भी मिलना है। चाचा जी से? उनसे क्या काम है? है कोई काम, लेकिन क्या? अब तुम्हें बताने की बात नहीं। अरे हाँ ये लो। इसमें क्या है? इसमें। अरे रवि नमस्ते। चाचा जी। जीत रहो बेटे, कहो कैसे हो? बस ठीक हूँ। अभी आई। बैठो रवि। चाचा जी दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ मम्मी डैडी ने भेजा है। ओ, अच्छा अच्छा। चाचा जी मुझे सिर्फ इतना कहना है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लिया,
और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। सभी खुशकिस्मती तो हमारी होगी बेटे, अगर सीता को तुम्हारे जैसा लड़का मिले। मैं तुम्हारे डैडी को खत लिखकर शादी की तारीख तय कर लूंगा। ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं, यूं ही आ गए। तुम खुश नहीं? बहुत खुश हूँ, इतने कि इस खुशी से डर लगता है। डर? डर किस बात का? रवि, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक बात जरूर जानता हूँ, तुम जो भी हो थोड़ी सी ये पागल जरूर हो। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। देखिए मैम साहब, अब की संडे को मैं फ्री हूँ, आप मेरे साथ चल रही हैं। लेकिन रवि। हाँ यार। ना रवि, तुम सीता। जी आती हूँ। बेटी दाल चढ़ा दी चूल्हे पे, पक भी गए। लाओ मैं चुन लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। दोनों माँ। अरे कुछ काम मुझे भी तो कर लेने दिया कर। राका, अरे वो राका। अरे काहे को चिल्ला रहा है, क्या हो गया तुझे? क्यों चलता है पास कल का टेबल? अरे यार अपनी तो कड़की चल रही है यार, वो उधार भी नहीं देता अपने को। अरे कड़की को मार गोली, आज अपने पास बहुत माल है, देख 15 रुपए पूरे हैं। और स्टॉप बोल, पॉकेट मार लेगा तेरी। पॉकेट मार लेगा, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तू मेरा यार है कि नहीं? नहीं नहीं, तू मेरा यार। एकदम सीधा चल। क्यों रे रका? जैस मौसी। बस चल दिया। अरे क्या मौसी, मैं दारू पीने थोड़ी जा रहा हूँ। ये रघु है ना, ये दूसरी चाली में रहता है, इसके एक जोरू है। जोरू? चार बच्चे। अब मौसी तुम्हें बोलो, घर गृहस्थी वाला आदमी दारू पीने जाए अच्छा थोड़ी लगता है। मैं पास्कल से ये कहने जा रहा हूँ, इसको रोकड़ा या उधार बिल्कुल दारू मत दे। अरे क्या मुर्गी तरह पक पक कर रहा है, है? बेशर्म के चल। अंडा देखा तू? पक पक। क्या रे साला, सारा मोहल्ला दारू पी ला है, अभी जाके सबकी छुट्टी करता हूँ। बस यही एक बुराई है इसमें, रोज पीना। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है। अभी सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, अरे दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। थका हुआ था मैं जरा
सा सच में झूठ भरा। थका हुआ था मैं जरा जरा सा सच में झूठ भरा। उठा के बोतल झूठ भरा तो अब जरा आराम है। काम है कभी मिल फुर्सत तो भाई देखा जाएगा। अरे दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। आप पहले घर चलिए। घर चलिए? किसका घर? किसका घर चलिए? आपका घर। मेरा घर? मुझे तो मालूम ही नहीं किधर है मेरा घर। तू जानती है मेरा घर किधर है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तू जानती है कहाँ घर? चलिए मेरे साथ। चल 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 मुझे लेके चल मेरा घर किधर है। चल परेशान नहीं कर रहे ना, तुझे मालूम है मेरा घर किधर है? बहुत काबिल है क्या? बहुत काबिल है, लेकिन मेरे को तो मेरा घर नहीं मिलता। अब वो लफड़ा बहुत है, घर किधर है? घर ये रहा आपका घर। ये? ये 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 मेरा घर है। अरे ये मेरा घर है, तू इसको घर कह दिया। तू घर देखे लिए आ, आ मेरे साथ आ। इस चार दीवारी को, इस छत को तू घर बोलती है? किस चीज को घर बोलती है? इस चारपाई को, इस कुर्सी को, इस खिड़की को घर बोलती है? अरे घर, घर तो घर वालों के साथ बनता है, और अपना तो कोई नहीं इस दुनिया में। ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना दोस्त, कोई भी तो नहीं मेरा। फुटपाथ की गोद में जन्म लिया, गंजी गलियों ने अपनी बाहों में पाल पोस के बड़ा कर दिया, और फिर एक दिन इस खोली की बंद मुट्ठी में घुट के मर जाऊंगा। और फिर पता क्या होगा, म्यूनिसिपल की गाड़ी आके रुकेगी, उठा के ले जाएगी राकर उस्ताद को खलास, खेल खत्म। अरे तुम क्या कर रही हो? कौन कहता है तुम्हारा कोई नहीं है? राका, क्या तुम ये पीना नहीं छोड़ सकते? पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता रे? अगर फर्क पड़ता हो तो उस्ताद अपन आ गया। जानता हूं थोड़ा टाइम से आया हूं, पर क्या करता, अपन साला एकदम लाइन से आउटलाइन हो गया था। कल रात वो अपनी गीता है ना, वो मेरे से कहने लगी,
मैं क्यों दारू पीता हूँ, क्यों बुरे धंधे करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसी टाइम सोच लिया कल सवेरे तेरे पास आकर बोल दूंगा कि मैंने आज तक जो बुरा भला किया है उसके लिए आई एम सॉरी। आज से दारू को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, दारू पीऊंगा भी नहीं, चाहे वो 5 किलो ना मेरे को फोकट में भी पिलाएगा तो भी नहीं पीऊंगा। उस्ताद तू तो सबका उस्ताद है, अपने राखों को माफ कर दे यार उस्ताद। भगवान भगवान राघव को शक्ति देना कि वो अपना वचन निभा सके। नहीं बेटी, बहुत कड़वी है दवा। क्या दादी माँ, इतनी सी तो है, बस नाक बंद करके पी जाओ। डॉक्टर ने क्या कहा था, दवा पियेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। 1 2 3 5 हाँ। जब तू छोटी सी थी तो मैं तेरी दादी थी, अब लगता है कि तू मेरी दादी बन गई है। मेरी दादी माँ, दीदी दादी नहीं, दादा हो गई है पूरी दादा। क्यों रे छटंके, बहुत बोलता है रे। अच्छा तो एक बात और बोलूं, गुप्ता जी आए। गुप्ता जी कौन? वकील साहब। वो बेचारे भी क्या जाने, हर महीने जो पैसे वो तुझे देते हैं उनकी पीठ मुड़ते ही चले जाते हैं तेरी चाची की तिजोरी में। बद्रीनाथ जी, ये रिश्ता पक्का हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी हमें भी बड़ी खुशी हुई है। लेकिन भाभी, ये सीता है कहाँ? यहाँ है। आओ बेटी आओ। आओ बेटी, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा कहो बेटी, कैसी? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बद्रीनाथ जी, जी मैं इसमें चेंज नोट कर रहा हूँ, इसमें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है जी, पहले से काफी बदल गई है। जी हाँ। गुप्ता जी, सिर्फ मैं नहीं, भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ है, इस घर के सारे प्राणी कुछ कुछ बदल गए हैं। बदले हैं ना चाची? भाई वाह, अब तो बड़ी बातें बनाने लगी, पहले कैसी चुपचाप सी बैठी रहती थी, अब लगता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारा ख्याल रखती है। पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती हूँ। भला मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ना चाची? हाँ है। अच्छा तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा कर दूँ, ये लो इस महीने के पैसे। जी शुक्रिया। जरा गिन लो। ओफो गुप्ता जी, आप तो हमेशा जिद करते हैं। बेटी अपने चाचा को क्यों? चाचा जी की गिनती गुप्ता जी की ईमानदारी से बढ़कर है। गुप्ता जी इन्हें गिनने की कोई जरूरत नहीं, पैसे पूरे हैं। फिर भी अगर? नहीं गुप्ता जी, हम इन्हें गिनकर आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं। बेटी इस घर में मुझे 20 बरस हुए आते, आज पहली बार हुआ है कि बगैर गिने। आजकल इस घर में बहुत सी बातें पहली बार हो रही हैं। हो रही है ना चाची? हाँ हो रही है। अच्छा बद्रीनाथ जी इजाजत। बस गुप्ता जी चल दिए। हाँ बस चलूंगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जीती रहो। आइए चलिए, छोड़ा आपको। चाची। बेटी मैं कह रही थी कि क्या कह रहे थे? पैसा तिजोरी में इस्तेमाल के रख दो। तिजोरी में रखोगी? लो रख दो। मैं भी आती हूँ। Ha 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 ha
बहुत भारी है। ये पतली सी कमर इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। क्या करूं, मैं ही रख लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम ही रख लो। सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। चल, खाना तैयार है? अभी नहीं, मगर ठीक है, 1 बजे जाइए, समझे? चल। अरे मैं कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़को गए, हटो बीच में से। उसका बस ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे मैं बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को, मार मार के भतीजी का भुर्दा ना बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। ये वो मसूर की दाल, रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा। अरे तुम चाची। आई बेटी। आज मैंने सब खाना तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की भाजी है और पालक का साग है और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो, खाओ। कौशल्या, बच्ची ने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखा तुमने, बड़ी शरीर है, हर वक्त मजाक करती रहती है। शैतान कहेगी। शैतान की चाची, इधर नहीं उधर चल। मगर बेटी मैं तो यही बैठती हूँ। आज से इस जगह इस घर की मालकिन बैठेगी, समझे? चल तू यहाँ बैठना चाहती तो बैठ जा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, इधर बैठू या उधर, मतलब तो खाने। मैं भी आई। चलिए दादी माँ, सब लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी। वो लोग आपके साथ खाना खाएंगे। से यहाँ दादी माँ बैठेंगी, समझी? समझ गई बेटी। और आज से इस घर की सारी चाबियाँ इन्हीं के पास रहेंगी, समझी? समझ गई। लीजिए बेटी। मैं, आप इस घर की मालकिन है दादी माँ, लीजिए ना। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो चले हो जा। फिर क्या हुआ? और फिर जो मोटी खिसियानी होके बोली है, हर वक्त मजाक करती रहती है, बड़े शैतान है। शक्कर कितनी? ये शक्कर है? ये शक्कर की ईंटे क्यों बनाते हैं? इसे शक्कर की ईंटे नहीं कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। क्या, क्यूब? क्यूब, क्यूब, क्यूब। खैर छोड़ो, जाने दो, रख दो इसे। करते क्यों हो? हेलो डॉक्टर रवि। ओ हेलो अशु, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। लाइक टू हैव सम कॉफी? नो थैंक यू। अरे हाँ, तुम्हारा घुटना कैसा है? घुटना ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर से दर्द शुरू होने लगा। हाँ ठीक है। सॉरी, ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हूँ ना? ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हूँ। एक काम करो, कल क्लिनिक में आ जाओ, एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। अरे सुनो,
लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ला 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 ला। कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिला, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ला 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 ला। जीते रहो बेटा, कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ जानता हूँ। कहिए रंजीत बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचे की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूंचू। रवि, तुम जरा मेरे चूंचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते।
बाय। चाची जरा चूंचों से चैन करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम लो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है, तुम्ही इन्हें ढील दी होगी इसे। चार दिन मैं घर से बाहर क्या गया, दो टके की छोकरी और कान भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सुरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना, ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी, खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा कुत्ते। सीता नहीं। सीता सीता क्या करता है बेवकूफ। आज तेरी खाल खींच कर भूसा ने भर दिया तो। दादी बा मुझे बचा लो, बचा लो दादी बा। काया तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे। सीता क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चोड़ी पहन ले। आए, अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठ से समझ के कमबख्त पीटा था, मनुष के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी मम्मी ये रही, ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। वाह वाह वाह, ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा दो चार दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटाई नहीं था। दादी माँ क्या पढ़ रही हो? दादी माँ गीता जी, भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से? क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नए काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ सौ सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बुढ़े, दो घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में, अभी मुंह क्या देख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता, चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं, इनसे माफी मांगो। संजय
हाँ जी माफी मांगो टाइम का क्या ठहरी है तुमने सुना नहीं रंजीत रामू काका से माफी मांगो मांगो माफ करना ऐसे नहीं पैर छूकर छुओ पैर रामू काका मुझे माफ कर रंजीत बाबू ठहरो कौन से सिगरेट पीते हो 555 और इस घर का काम क्या करते हो कुछ नहीं आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी समझे रामू काका जी बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करें ये लींबू ताजा है क्या बाबूजी हर चीज ताजा है और ये पालक की भाजी कैसे दी अरे का बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आयो का अरे ठीक है गुस्सा क्यों करते हो क्या पॉकेट में देते हो डैम यू ये क्या है बैंगन है हैं बैंगन ऐसा होता है जी हां ठीक है कैसे किलो 2 रुपए किलो 2 रुपए 1 किलो तुम क्या हुआ तुम्हें तू इतने घबराई हुई क्यों है कुछ नहीं गीता साफ साफ बताओ ना क्या बात है राका मुझे डर लग रहा है डर किस बात का डर मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है अपने राका पर भरोसा नहीं है लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं अरे पगली किस्मत तो यूं बदली जा सकती है तुम यहीं ठहरो मैं अभी आता हूँ कहाँ जा रहे हो तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेल गाड़ी एक ही पटरी पर लाने जाऊं जाऊं लीला बहन बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो बराबर अरे पंडित जी 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी कुछ जल्दी नहीं हो सकता नहीं बेटा केवल 18 तारीख तो ठीक है 18 ही सही 18 तारीख हाँ बेटे तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी मैंने हाँ कह दी बेटी ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की पता नहीं वो लोग क्या समझे और फिर बेटे रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं अच्छा मैं जरा हरिहर जरी वाला ज्वेलर्स किया हुआ हूँ शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे चाचा जी हाँ बेटे कुछ नहीं सुखी रहो बेटे पिताजी आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं मैं आपकी बेटी नहीं पर आज तक ये बात मैंने छिपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं लेकिन आज मैं क्या करूं ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं वो मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं और वो नहीं जानता कि मैं एक ऊंचे घराने की बेटी सीता नहीं सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ बताइए मैं क्या करूं ये तस्वीर किसकी है ये तो आपके बद्रीनाथ जी की भतीजी सीता है कल तक मैं भी यही समझता था लेकिन ये लड़की सीता नहीं सीता की शक्लो सूरत वाली एक बंजारन गीता है
तो फिर सीता कहाँ है? उसे ढूंढना तुम सबका काम, वो जहाँ भी हो उसे यहाँ उठा लो, लेकिन 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक। अरे रे, बाबा देख के। देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी चड़ी। बेटी यही कहीं मेरी कार होगी? हाँ हाँ, जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए। चुपचाप अंदर बैठ जाओ वरना। बेटी, अरे अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात के तो आने का वक्त हो गया। चाचा जी मैं समझता हूँ बेटी, आज अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होती तो भाभी अपने हाथों से दुल्हन बनाती तुम्हें और भाई साहब तुम्हें विदा करते, लेकिन क्या करूं बेटी, मैं बहुत अकेला पड़ गया। अच्छा बेटी मैं चलूं, तुम तैयार हो जाओ। सीता, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ, उसे जिंदगी में और क्या चाहिए। तुम्हारी जैसी पत्नी जो सुंदर है, सुगढ़ है, जो एक बहुत ऊंचे घराने की है, तुम्हें पाकर तुम्हें। रवि, क्या बात है? रवि मैं बताओ ना क्या बात है? आज की रात हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, जो तुम आज तक मुझे समझते रहे मैं वो नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं किसी गुंजे घराने की नहीं हूँ रवि, मैं तो एक मामूली सी बंजारन हूँ जिसे गलती से ये लोग सीता समझकर अपने घर ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ रवि, मैं गीता हूँ, गीता जिसका काम सड़कों पर तमाशा दिखाना था। ये सच नहीं है। अगर ये सच है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे न जाने कितनी बार कहना चाहा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम समझती हो मैं सड़कों पे नाचने वाली एक बंजारन को जिसके न खानदान का पता है न खून का, अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा? लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। मौसी, मैं देखकर आया, मंदिर पर वहाँ तो नहीं है। हाय राम, मुझसे तो मंदिर कहकर गई थी। क्या हुआ चीना? उस्ताद गीता मंदिर गई थी, 2 घंटे हो गए, उसका पता ही नहीं है। लगन का टाइम जा रहा है, कहाँ चलेगी वो? मैं बताता हूँ। Thank you.
माफ कर दीजिए मेरी गुस्ताखी। शादी नहीं कर सकती सीता। बदरीनाथ जी, कैसा जलील और बेहुदा मजाक करने के लिए हमें बुलाया था आपने? अगर इस बेशर्म लड़की को ये शादी नहीं करनी थी तो ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं इसने ये ढोंग क्यों रचाया है। इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है क्योंकि दौलत की लालच कूट कूट कर इसके दिल में भरी है। इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है क्योंकि इसकी नजर इस घर की दौलत पर थी, यहाँ के रुपये पैसे जमीन जायदाद पर थी। रंजीत, क्या बकता है तुम? बक नहीं रहा, फरमा रहा हूं। ये लड़की जिसे आप अपनी पोती और आप अपनी भतीजी सीता समझते हैं, ये सीता नहीं बल्कि सीता की हमशक्ल सड़कों और फुटपाथों पर नाचने गाने वाली एक आवारा लड़की गीता है। ये सब झूठ है। ये सच है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कौन है आप? इसी से पूछ लो, तू ही बता दे इनको कौन हूं मैं। क्या तू भी मेरे को नहीं पहचानती? शादी का वादा मुझसे और... नहीं नहीं, ये सच नहीं। मैंने कोई वादा नहीं किया, कोई रास नहीं रचाया। रवि, तुम इसकी बात मत मानना, ये सब झूठ है। हाँ, ये झूठ है। ये झूठ है कि तेरा नाम गीता है। ये झूठ है कि तू सड़कों पर तमाशा करने वाली एक लड़की है। गीता बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई थी। तू क्यों घर से चली आई? बोल बोल गीता बोल। ये आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी सीता है। लो और सुनो, मैं क्या अंधी हूँ जो मैं अपनी गीता को नहीं पहचान सकूंगी? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। अरे जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोल दे बेटी, बता दे इन सबको कि मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? अरे इन्होंने तेरे पर जादू टोना तो नहीं किया? बोल गीता, बोल बोल बोल, मैं तेरी माँ हूँ, बोल। तू मुझे क्या भूल गई? बोल गीता, गीता बोल, गीता बोल। माँ, माँ तू रो मत, माँ तू रो मत, मैं तेरी गीता हूँ। तो फिर मेरी सीता कहाँ है? हो सकता है यही सीता को भगा ले गई और कहीं छुपा दिया, और हो सकता है इसने सीता का खून कर दिया हो। कमीने, मक्कार! ये सच है कि तुम्हारा नाम गीता है? जी हाँ।
और ये भी सच है कि तुम इतने दिनों से सीता बनकर इस घर में। मुझे अफसोस है कि तुम्हें जालसाजी और धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए रुक जाइए थानेदार साहब, मेरी गीता को मत ले जाइए। मेरी गीता ऐसी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए थानेदार साहब, इसे छोड़ दीजिए थानेदार साहब। अरे कोई क्या जिसे हम इतने दिनों तक गीता समझते रहे वो सीता है? जो मुझे आज तक प्यार करती रही वो सीता है? हाँ, और इसी धोखे में सबने गीता को बुरा समझा, उससे बुरे फेंक गए। तुम फिकर मत करो मौसी, गीता चाहे हवालात में हो या काले पानी में, राका उसे छुड़ा कर लाएगा। वो बरोबर देखा है ना, पहले माले दूसरी खोली में। बिल्कुल सच सच कहता हूँ राका, आज शाम को तो मैं वहां से छूट के आया हूँ। चल चल पूछ। डॉक्टर साहब। बोलो भाई। कोई सवाल किए बगैर इस लड़की के पट्टी बांध दीजिए आज। अरे तुम यहाँ कैसे? इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। सीता? हाँ। तुम गधे के बच्चों, तुम्हें इसके अलावा शहर में और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं मिला? रंजीत, मैं तेरी सब चाल समझ, मैं तुझे ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए वरना मेरे दोस्त आपका काम तमाम कर देंगे, समझे आप? कीर्ति, सीता, ये शादी का जोड़ा पहनकर जल्दी से नीचे आ जाओ, समझे? और हाँ, डॉक्टर साहब का काम खत्म होते ही इन्हें बराबर के कमरे में बंद कर दो। मेरी
समझ में नहीं आता तुमने मुझे क्या? मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था सच क्या है और असल बात तो तू भी नहीं जानती। क्या मतलब? सीता तेरी जुड़वा बहन है। मेरी जुड़वा बहन? हाँ। किसने कहा? अरे मौसी ने मुझे बताया, वो कह रही सीता है। कहाँ? मैं जानता हूँ। कहाँ? रंजीत ने उसे प्लासिया कोठी में बंद कर रखा है। प्लासिया कोठी? चलो मेरे साथ। लेकिन वहाँ चारों तरफ रंजीत के आदमी है तो क्या हुआ? मैं अपनी बहन को बचाने के लिए रंजीत तो क्या रावण से भी टकरा सकता। और कितनी देर लगेगी पंडित जी? थोड़ी देर है ना। दामोदर कहाँ से यह तुम्हारा बुड्ढा पकड़ लाया? नॉनसेंस। हे भगवान अब मैं क्या करूं? घबराओ मत सीता, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है। आप कौन है आप? मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारे ही दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। जुड़वा बहन? लेकिन ये मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी मेरी बहन, लेकिन पहले इन कमीनों को कुछ समझाना चाहती हूँ जिन्होंने तुम्हें इस मुश्किल में डाल रखा है। वो रंजीत मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसका तो बाप भी नहीं कर सकता। सीता मेरी बहन मुझ पर विश्वास रखो और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे चुपचाप करती जाओ। क्या लगा रखा है पंडित जी बच्चे? और कितनी देर लगेगी? और सब कुछ तैयार है माए बाप, आप कन्या को बुलाइए। कीर्ति जल्दी से सीता को लाओ। अभी ला। आप शुरू हो जाइए, जल्दी कीजिए। चलो नीचे चलो। नहीं नहीं देखिए मुझ पर दया कीजिए भगवान के लिए। सॉरी दया करना मुझे आता नहीं। चलो चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो चंद्रमते स्वाहा, ओम विश्वे देवाय स्वाहा, ओम धर्मराजाय स्वाहा, ओम वनस्पते स्वाहा, ओम विद्या। तुम यहाँ? ये क्या मजाक है? अबे गधे, शेरनी की शादी गीदड़ से नहीं होती, समझा? क्या कहा तूने? अभी मजा चखाता हूँ। तुम? हाँ बच्चू मैं। तो फिर सीता कहाँ? सीता यहाँ है। अरे तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। दामोदर कीर्ति पकड़ो इन सबको, भागो। देखें जरा, हाँ सांस लो और जोर से। अबे उल्लू के पट्टे, दमा हुआ है दमा, फाइटर बनने निकला है, बैठ वहाँ। चल बे ठिंगू तेरा क्या बोलते? जुलाब नहीं होता डॉक्टर साहब। ऊपर थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे अरे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं? डॉक्टर के बच्चे बहुत कर ली डॉक्टरी। चलो कंपाउंडर साहिबा तुम भी चलो। पकड़ो इसे।
कर दो नीचे और ले जाओ इनको भी। कमा शाबाश बहादुरो। गीता अब पता चलेगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन। अबे आप गीदड़ कहते अपने चूहे से शेर का बाप आ गया है, देखते क्या। लौंडे आज तेरी धुलाई कर दूं तेरी तो। जुलाब हुआ दो बार, एक बार फिर जा। हाँ। बाथरूम किधर है? इधर। हाँ? चल। ओ मैं तुम्हें घबरा मत रंजीत, मैं निहत्ते पर वार नहीं करती। ये ले। अबे चूंचू देखता क्या है, दम है तो उठा तलवार, उठा। Thank you.
कसम से जिंदगी में आज तक किसी से नहीं डरा, लेकिन आज पता नहीं क्यों पसीना छूट रहा है मेरा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, कोई फिक्र। सुनो, सुहागरात को क्या करते क्या है? मुझे क्या मालूम, मेरी भी तो पहली शादी है। अच्छा, इसमें तो ताज्जुब क्यों हो रहा है तुम्हें? वाकई पहली शादी है मेरी। तू जा, फिक्र मत कर। ठीक है, जो भगवान को मिले। समझे क्या ओ लाला, समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई।